इनकम नहीं है, उन्हें जनपद में वास्तविक आय 2017-18 में शून्य था हमारा। इस वर्ष हम लोग एक लाख पहुंच गए, अभी तक मुझे लगता है इसमें भी कोई अभी तक आय नहीं हो पाई है। स्कूल बीमा शुल्क हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है 10 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। पिछले वर्ष हम लोगों ने रखा था 93,000 रुपए का, 93,000 रुपए पिछले साल हम लोगों की आय हुआ था स्कूल बीमा शुल्क से। बाजार शुल्क है हमारा शून्य है अभी, क्योंकि बाजारों में कोई शुल्क नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। कृषि और पशुपालन में पिछले साल 3,77,000 रुपए केवल मिल पाया था हमें। बेसिक बात यह है कि जो जिला पंचायत हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों को सरकार के लिए कुछ टैक्स कलेक्ट करने की भी जिम्मेवारी है। जैसे नगर निगम के पास जिम्मेवारी है, वैसे ही हमारे पास भी है, लेकिन हम लोग इस काम में पूरी तरीके से फेल रहे हैं। मतलब अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने कांजी हाउसेस कितने चलवा के उसको ऑपरेट करा के वहाँ से टैक्स कलेक्ट किया, या स्कूल बीमा शुल्क कितना हुआ, या बाजार इतने छोटे छोटे हमारे चलते हैं। एक ग्राम पंचायत भुता है, भुता को आपके लोगों की आए हुए नहीं आए, भुता ब्लॉक के जो भुता गाँव है वहाँ के ग्राम पंचायत की 20 लाख से ज़्यादा इनकम है एनुअल केवल ग्राम पंचायत में जो बाजार लगता है। और हमारे पूरे जनपद के बाजार शून्य है, तो एक ग्राम पंचायत हम लोगों से 20 लाख आ गया। आदेश आ गया बाजार का, कोई वसूली नहीं है, इसलिए बाजार में हम लोग कोई भी अब टैक्स नहीं। तो देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर से हुआ है, हमारे स्तर से हुआ, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इस पर टैक्सेशन के संबंध में क्या क्या चीज़ें आई गई हैं और कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं। जिला पंचायत में बहुत सारी जमीनें हैं जो कि हमारी अनयूज पड़ी हुई हैं, जिसपे कहीं सकती है। जैसे नगर निगम सर यूनिफॉर्म लगाकर और टैक्स लगाता है, इसी तरीके से जिला पंचायत के जो क्षेत्र मतलब नगर निगम से बाहर जो भी क्षेत्र होता है उसमें हम लोग भी अगर यूनिफॉर्म पर टैक्स लगाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर हमारी आय बढ़ेगी। ये मेरा प्रस्ताव है। बहुत बढ़िया सजेशन, भविष्य में इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा और इस पर कार्य करेंगे। थोड़ा सा जागरूक होकर वहाँ थोड़ा देख लेते हैं, चुकाने भी करते हैं और उसकी स्थिति सही करते हैं जो जर्जर हालत में है। जो भी जिला पंचायत की भूमि पे या कब्जे वब्जे का कोई प्लान है हमारे सामने लिस्ट बनवाइए, उस पर हम लोग बाउंड्री और कुछ भी आप लोगों के लिए जिला पंचायत की जैसे आय हो सके, अर्निंग हो सके, बाजार या मार्केट मॉल टाइप का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ की काफी मंजिल होगी, ये सब हम लोग खाली जमीन है और ये सब बढ़िए जिला पंचायत के हम आय बढ़ने के लिए सब स्रोत के लिए हम आप लोग ये सदस्य अनुमति चाहते हैं, अनुमति है और लोग ये सब प्रस्ताव बना रहे हैं। तो आप लोगों के पास किसी के पास भी इस तरीके की कोई बात आती है तो हमें विकास भवन में एक सूचना एक पत्र जरूर दिलवा देंगे, उनको एंटी भूमाफिया वाले में भूमाफिया घोषित करवा देंगे। जिंदगी और बात करेंगे बाढ़ में जो जो संपत्ति है उसकी एक एक कॉपी अगर मेंबर लोगों को आसान हो जाए, जो है वो बहेड़ी के अंदर है जो कि जर्जर हो चुका है, पूरा गिर चुका है और उसको क्रय विक्रय से कोई पास किया जाना जी ज्यादा खाली जमीन ज्यादा जर्जर है उसे बनवाने के लिए शासन का नीति है कि कोई आदमी सबसे ज्यादा पहली के अंदर है और सबसे ज्यादा अवैध खर्च पहली के अंदर आप एक हफ्ते के अंदर उसे खाली कराइए। अमरिया और तेरा तो अमरिया रेगुलेटर जो है वो तो पास हो गया प्रस्ताव, उसका मामला शासन को चला गया जो कि लागत नहीं थी, लेकिन 13 बार जो कि अंग्रेजों के शासन काल के टाइम से तब तक चला आ रहा है और वो पास नहीं होती है वहाँ से उसमें भी उन्होंने कुछ सर्वे मांगे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो हम लोग खमरिया बांध बनाएंगे तो उसके लिए उसकी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी होती है कि वहीं पे सारा पानी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, वो स्टडी करने के लिए कहा है। टेहरा पे भी यही हमने 2 साल पहले मिल के हम लोगों ने वहां से दोनों बांध कच्चे
तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो वहां सूचित हो रहा है और आप पक्का उसे करवा रहे हैं एक दो महीने के अंदर, ठीक है, वरना हम उसे इस कार सेवा के द्वारा हम सारे ये हम बता देते हैं। अभी स्टेटस ये है कि दो महीने हम लोग सर्वे रिपोर्ट तैयार कराने में करीब करेंगे, उसके बाद कोशिश यही है कि दिसंबर एंड तक हम लोग उसकी स्वीकृति करा के पैसे रिलीज करवाए दोनों तरफ। अगर 15 दिसंबर के आसपास तक आप लोगों को लगे कि इसमें कोई आगे की बात नहीं बढ़ रही है तो हम लोग अन्य तरीके से आए होंगे, वहाँ पे भी एक प्रोग्राम लगा हुआ है जानकारी जो ये जिला पंचायत में टोल टैक्स आते हैं कम से कम जिला पंचायत के मेंबरों के लिए या जिला के मुगल के लिए अगर नहीं बन पा रहा है जिला पंचायत के जिला पंचायत की सीमा में आते हैं तो उनपे हैवी टैक्स लगा दिया जाए, कम से कम जिला पंचायत गायब हो जाएगी। इन पर अपने टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स तो लग सकता है मुख्य एजेंडा। एक तो जिला अधिकारी स्तरीय अधिकारियों का आना था, उनसे सारी समस्या जिला पंचायत की समस्या होती है उनके बिंदु उनकी कार्ययोजना हम लोगों को देखनी थी और इसलिए अधिकारीगण ने हमें प्रतिनिधि भेजी है, इसलिए जिला पंचायत सदस्यों को बड़ा रोष हुआ अधिकारियों पर, अधिकारी के यहाँ के जिले के ये लगाम हो गए, इसलिए हम लोगों ने उनके खिलाफ जो जो न्याय तो निंदा प्रस्ताव पारित किया और एक एक दिन का वेतन काटने की मांग करी है। और इसलिए डीएम साहब के संज्ञान में लाते हुए भी मैं भी ये हम लोग 15 दिन में बैठक करेंगे अधिकारियों, और बाकी जिला पंचायत का मूल बजट था वो पास हुआ सभी सहमति से बहुत अच्छे से, और अवैध कब्जा हटाने के लिए एक सदन में पास हुआ है, जो जो अवैध हैं उसके लिए भूमाफिया घोषित करते हुए कुछ 15 दिन के अंदर रिपोर्ट लेंगे हम लोग, और जो जो खाली ज़मीन है जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए इस पर हम लोग मार्केट और जो भी उसमें आय बढ़ाने के लिए कार्य होंगे वो हम लोग पूरे करेंगे।